हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हिंदू धर्म के मान्यता के हिसाब से नया साल स्टार्ट होता है। ये इसलिए नया साल मानने को आता है क्योंकि राम भगवान ने बुराई पे वो ही रावण का विनाश करके फिर घर वापस आए थे। जब तब दिवाली मनाई जाती है, उसके दूसरे दिन ही नया साल मनाया जाता है कि अब से हम नया साल स्टार्ट होता है ऐसा। तो गाइस इसलिए आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं। आपका भी साल अच्छा जाए, वैसे हमारा भी साल अच्छा जाएगा। इस चलो नए साल की शुरुआत, बस तो नहा वहा लिया है, नए साल की शुरुआत करते हैं पूजा से। सब पूजा वूजा कर लेते। ओ माय गॉड करते हैं। ये बॉय तो गाइस, अभी हमने जस्ट पूजा वूजा दर्शन वर्शन किए हैं माता जी के। अच्छा नए साल का सब नया शुरुआत अच्छी हो, ऐसी विशेष मांगी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी गाइस। तो गाइस चलो, न्यू ईयर है तो न्यू ईयर के फटाफट अभी बस 15-20 मिनट के अंदर घर के बाहर रंगोली ड्रॉ कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। तो गाइस चलो रंगोली ड्रॉ करते हैं। गाइस फाइनली कंप्लीटेड। तो गाइस आज तो मेहमानों के लिए तैयार किया गया है। ये मैं बच्चे की कुर्सी, छोटा बच्चा की कुर्सी, टॉली की। तो गाइस चलो अभी फोन ऑन करते हैं मंदिर जाने के लिए। अभी पेरेंट्स को पैर छू लेते हैं फिर जाते हैं बाहर। तो गाइस अभी देखो उस लोग के चक्कर में 9:30 बजने आया। अभी मंदिर जाना है, घर पे पग पैर कर लिया, थोड़ा पूजा का सामान लाना था, कि नारियल वारियल वो भी लेके आ गया था, रंगोली भी ख़त्म, चाय नाश्ता भी हो गया और घर का हो गया। तो भी गाइस फटाफट ये जो कपड़े कल पापा ने लाए थे, मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे नहीं चाहिए था कपड़ा, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। पैसे भी पापा ने, पर मुझे नहीं लाने क्योंकि यार अभी टाइम नहीं है वेस्ट करने का। तो मुझे वही जो भी पैसे थे वो भी वो मुझे मेरे अपने MMA में एक्सपेंस करने थे। तो ये कल वो उनके लिए लाए थे तो मेरे लिए भी ला दिए। तो फटाफट दिखते पहनते कैसे कैसे नहीं, चलो देखते ट्राई तो करते। अभी हम लोग यहाँ पे टेंपल जा रहे हैं हम दोनों। क्या बोलते हो गाइस, सबको हैप्पी न्यू ईयर तो बोल लो मेरी तरफ से, आपको भी सुबह आपको विश करी है। तो गाइस फाइनली हम दोनों तैयार वेयर हो गए, जा रहे हैं टेंपल। तो आधे रास्ते में तो गाइस उधर जाएंगे ना कहीं, आप देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। अच्छा ही जाना चाहिए दिन, क्योंकि इससे अब नए स्टार्टअप से पूरा साल अच्छा जाना चाहिए और होप अगले साल भी अच्छा जाना चाहिए आपके भी गाइस। तो चलो गाइस मिलते हैं टेंपल में। तो गाइस अभी फाइनली आ चुके हम। हाई टेक गाइस अभी हमने गणपति बापा को भी बोला, सबको बोला कि नए साल अच्छे से शुरू हो और मेहनत करें हम और आगे बढ़े। बस हार्ड वर्क ज़रूरी है, तो गाइस हमें हार्ड वर्क करना है, बाकी तो देने वाले तो ऊपर वाले हैं। तो चलो गाइस अभी सामने
और टेंपल है सामने, कौन किसका टेंपल है श्लोक? तो गाइस सामने बालाजी भगवान का टेंपल है, तो साउथ साइड ज़्यादा कार्तिक है गणेश जी के बड़े भैया, तो वहाँ जाके हम दर्शन करते हैं। तो गाइस उधर जाते दर्शन करते, नए साल से मतलब भगवान से स्टार्ट होना चाहिए, पूजा स्टार्ट होना चाहिए। चलो गाइस चलते वहाँ। एकदम हैवी है ना, तो गाइस देख सकते हो, ये हमें नहीं पता कार्तिक जी का मंदिर क्यों बंद रखते हैं। यह देख सकते हो पीकॉक उनका वाहन मोर भी है, और यहाँ भजन भजन कुछ चल रहा है। अभी ये नहीं पता गाइस कि ऐसा क्यों, मतलब मोस्टली हम जब भी आते हैं तब ये टेंपल बंद ही होता है, तो वो बंद होता है कब खुलता है इसका क्या होता है। अगर इसमें से आप में से कोई भी साउथ इंडियन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना कि ऐसा क्या होता है, इनका क्या रिवाज क्या होता है, मतलब कब ऑन होता है ऑफ होता है, ऐसा कुछ होता है क्या, तो प्लीज़ कमेंट बताना गाइस, आपको पता हो तो। तो गाइस बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त लगा ये मंदिर देख के, आपको देख सकते हो ये साउथ के मुरुगन स्वामी जी का मंदिर ऐसा बोल रहे हैं। नाइस यार, नाइस नाइस। ओके कमर साहब। तो गाइस अभी हमने यहाँ सब दर्शन कर लिए, श्लोक भाई आपका क्या कहना, आपने क्या विशेष मांगी है गॉड से, मतलब भोलेनाथ से, कार्तिक से, मतलब सारे भगवान से क्या विशेष मांगी आपने? वैसे तो विशेष किया है मतलब बोली नहीं जाती। ओके वैसे विशेष बोली नहीं जाती, नहीं बोली नहीं जाती, वो तो भगवान को बोला है वो कर देंगे पूरी। अच्छा वेरी गुड, चलो इतना तो आपको थोड़ा नॉलेज है, पता है कि विशेष बताई नहीं जाती किसको। गुड वेल एंड गुड। तो गाइस मतलब मैंने तो इतनी विशेष मतलब ऐसा कुछ खास नहीं, बस गॉड से ऐसा ही बोला है कि मतलब हार्ड वर्क होना चाहिए, बस हम हार्ड वर्क करना चाहते हैं, बाकी कुछ लेना ना देना वो तो भगवान के हाथ में होता है, वो भगवान देंगे हमको। तो गाइस अपने सब्सक्राइबर्स को क्या कहना चाहोगे आप? हमारे सब्सक्राइबर को मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, आपका साल अच्छा जाए। वेरी गुड। तो गाइस ये थोड़ा बोलने में हिचकाता है, तो गाइस मतलब इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि आपका भी साल अच्छा जाए गाइस, आपको भी मतलब अपनी लाइफ में कुछ करने का मौका मिले, कुछ करो, मतलब हम भी इतना कुछ उखाड़ नहीं लिया लाइफ में, पर उखाड़ेंगे जरूर गाइस। जर्नी स्टार्ट टू नाउ बिगिन, देखोगे आप हमें आगे भी। चलो गाइस मिलते हैं घर पर जाके, देखते कुछ करते हैं क्या नहीं गाइस। चलो दो मांगने पॉपकॉर्न दो मांगने नहीं खाना है, बटर कप दियो। तो गाइस चीयर्स चीयर्स। तो गाइस उधर पफ खाया था, तो बहुत गरम गरम पफ दे दिया था, इतना गरम हॉट हॉट कि मुंह थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा कुछ पीना पड़ेगा, पानी वानी और पानी नहीं तो ठंडा सिंग बियर थोड़ा पी लेते, देख सकते हो गाइस। चीज़ गाइस गाइस वन ऑफ द फेवरेट काजू कतरी। तो गाइस अभी एक चावल दादी को थोड़ा खाना दे देते हैं, या खाना दे देते हैं उनको। चलो गाइस। तो गाइस देख सकते हो बेल्ट बेल्ट निकल गया मेरा, छोड़ो स्पेशल कैसे हालत है। तो गाइस देख सकते हो फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर। हाँ
तो गाइस अभी श्लोक भाई ने हमारे बहुत अच्छे अच्छे फोटो खींचे है। बस सीख रहा है वो फोटो खींचना, उसको बिल्कुल फोटो खींचना नहीं आता। और मेरे पास यही बंदा घूमता है कि मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या। आ जाएगा पक्का श्योर भाई। देखो मेरे इंस्टाग्राम पे भी अगर आप फॉलो वॉलो करते हो तो जो भी मेरे फोटोज़ वगैरह आते हैं वो थोड़ा देखना, क्योंकि ये भाई क्लिकिंग करते हैं फोटोज़ वगैरह जो भी मेरे आते हुए भाई अच्छे करते हैं। ये नहीं होता तो फिर कौन करता, वो तो थोड़ा समझो। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सिखाते भाई। इसको मैंने ऐसा बोला था कि फोटो खींच तपोवन में, तो भाई ने क्या किया बीच में रखने को बोला था, तो बीच की वजह साइड पे रखता है, पूरी ज़मीन नीचे आने देता है, फ्लोर आने देता है। मुझे लगता है फ्लोर का फोटोज़ खींच रहा था। तो वैसे ऐसा वैसा होता रहता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा अपना अपलोड ही नहीं करूँगा ऐसा फोटोज़। पर ये ऐसी कहानी चल रही है अभी मेरे फोटोज़ की। आज मैंने अभी रात को कंप्लीट किया था ना फोटो नीरो भैया, पन आज अभी रात को। वाह ठीक है गाइस। तो गाइज अभी यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ खाने का प्योर मन नहीं हो रहा, प्योर मतलब अच्छा मतलब पता नहीं। देखो वहाँ पे पिज़्ज़ा है, कोको कोला मोमो है, कोको कोला का सिंबल, सीजल मैक्सिकन मोमोस, बर्गर। हाँ उधर बर्गर है ना, उधर वो लॉन्ग ब्रेड वाला बर्गर आता है, वो खाने का मन हुआ था। पर फिर इतना ज़्यादा फन टाइम थोड़ा टाइम बिताते और तो क्या। तो गाइज आज पूरे दिन मतलब कि क्या किया, तो आज पूरे दिन मंदिर से आए, फिर घर पे मेहमान आए मेहमान आए थे, फिर वो लोग चले गए, मतलब सब घर पे से चले गए थे। फिर थोड़ी बॉक्सिंग की नॉर्मल ड्रिल्स विल्स की थी मैंने, हाँ स्ट्राइकिंग ड्रिल्स की थी, और उसके अलावा इतना कुछ झमेला नहीं किया था। फिर हाँ सो गया था फिर भी। हाँ अभी गाइस मैं क्लब के विजिट भी करके गया हूँ कि भाई इन फ्यूचर मुझे मेरा कॉम्बैट स्पोर्ट्स एमएमए मुझे आगे बढ़ना है, इसमें बहुत आगे बढ़ना है गाइस। प्रो UFC में जाना है, आपको पता है UFC इज माय करियर, तो वहाँ जाना है। तो उसके लिए मुझे एडवांटेज चाहिए होगा एक्स्ट्रा, तो उस चीज़ों के लिए मैं गया था, देखा अभी जाके आ गाइस। तो अभी मैंने बोला चलो थोड़ा आप लोग उससे भी बात कर लेते, क्योंकि व्लॉग शूट करना ज़रूरी है गाइस। व्लॉग भाई आई व्लॉग ट्रैवल नेक्स्ट वॉरियर, क्या बोलते हो उस लोग, ट्रैवलिंग नेक्स्ट वॉरियर, यस या ट्रैवल सेना, या। तो गाइस अभी देखते कुछ अच्छा खाने का वाने का मन गाइस। आज एक मन क्या बोला पता है, आज ऐसी चीज़ मतलब हुई कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करने का मन हो गया था, बट इसके पीछे कुछ टाइम भी नहीं मिला, और मतलब थोड़ा फाइनेंस भी देखना पड़ता है। तो थोड़ा मन ऐसा हो गया था कि डिस्ट्रीब्यूट, मतलब लास्ट टाइम हैप्पी न्यू ईयर के वक्त हमने कुछ वो खिचड़ी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया। एक काम करते गाइस, चलो आइडिया, एक काम करते लोग, हम ऐसा करते कि जो ये अभी नवंबर चले, दिसंबर का न्यू ईयर है ना, उस टाइम वापस को डिस्ट्रीब्यूट करने का ट्राई करते। चलो इस बार कुछ करते, क्योंकि आज जो करने की सोचा वो तो नहीं हो पाया, तो इस बार पक्का करने के करेंगे, मतलब पक्का। चलो गाइस तो आज का जो मन की इच्छा था वो करेंगे। इसके लिए मेरा मन की इच्छा है, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही, कि मुझे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना था। भाई मैं तो घर पर खाता रहता हूँ, खाता ही हूँ ना, जो लोग नहीं है उसको मुझे कुछ इच्छा होती है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ याद रहेगा, हम करेंगे। चलो गाइस कुछ देखते बार बार खाने का, क्योंकि इधर तो बिल्कुल इच्छा नहीं हुई है। जो भी हम रेगुलर खाते उधर ट्राई करते हैं, मन हुई तो खाते हैं, वरना फिर घर जाते हैं गाइस। घर पे जो फ्रेंड्स लोग आए उनसे मिलते हैं। बाय द वे आपका आज का न्यू ईयर कैसा रहा प्लीज़ कमेंट में बताना गाइस। वैसे हमारा तो मतलब नॉट वेस्ट योर टाइम, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस इसी के लिए मैंने इतना कुछ किया ना। बस अभी टाइम थोड़ा मिला, क्लब व्लॉग का हो गया तब जाके मैं निकला, घर पे जॉली का भी संभालना पड़ता है। तो कैसे श्लोक भी बाहर जाके आया ना तू? हाँ मैं जाके आया। तो कैसे ये भी बाहर जाके आया, उसके दादी को पापा पता नहीं कहाँ भी जाना था, तो वैसे सब हो गया गाइस। तो चलो गाइस अभी मिलते आगे। तो गाइस देख सकते हो एंट्रेंस कुछ इस तरह से दिया गया, देख सकते हो गाइस। तो गाइस ये एंट्रेंस था, ये इसका नाम है द कंटेनर्स पार्क। देखो द कंटेनर्स पार्क पान फेस्ट न फेस्ट पे खाने की कुछ है, अच्छा अच्छा खाना होगा भाई दे, पर थोड़ा हमें समझ लो खाना नहीं था, ऐसा कुछ समझ लो मन नहीं हुआ। पान फूड फेस्ट ओके। तो गाइस अच्छा था फोटोशूट, बातें करना, थोड़ा वाइब अच्छी आई इधर है, क्या बोलते उसको। तो गाइस चलो चलते बाहर कुछ खाना वाना देखते हैं। चलो कंटिन्यू।
तो गाइज आखिर में इतना घूमने के बाद वडोदरा की लाइटिंग अच्छी लगी, बाकी खाना वाना तो इतना कुछ मन नहीं हुआ, वो आखिर में घर आके ही खाया। तो गाइज आपका आज का ये दिन कैसा गया और आपका ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बताना। मिलते हैं चलो नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज़।